सहारनपुर ग्राम सिंह खेड़ा एवं महादेव कॉलोनी निवासी खिलाड़ी छात्राओं का नेशनल प्रतियोगिताओं में हुआ चयन। आपको बता दें, कनक देवी निवासी ग्राम सिंह खेड़ा जो कि जैवलिन थ्रो में यूपी स्टेट में खेल कर आई है और उसे इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला और उसका सिलेक्शन नेशनल प्रतियोगिता जो कि आसाम और गुवाहाटी में खेली जाएगी। तो वहीं महादेव कॉलोनी निवासी तापसी जो कि 10 किलोमीटर वॉक रेस में सिल्वर लेकर आई थी, उसका सिलेक्शन भी नेशनल प्रतियोगिता में हुआ है, जिसको लेकर परिवार जनों में काफी खुशी का माहौल है। लेकिन वही खिलाड़ियों का कहना है कि वह शहर उत्तर प्रदेश सहित अपने भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग करी है कि खिलाड़ियों को उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। मेरा नाम कनक देवी है। किस गेम में आपका सिलेक्शन हुआ, कहाँ खेल रहे हैं? मेरा जेवलिन थ्रो में सिलेक्शन हुआ है और हम लोग आसाम गुवाहाटी खेलने जा रहे हैं और हम लोग पहले आसाम गुवाहाटी खेल चुके हैं और जो हमें सहारनपुर से हमारे श्रीराम सेना की तरफ से बहुत सपोर्ट हुआ है और मेरे दीपक कोच सर की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है और हमें स्टेडियम की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है और हमें सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं मिली है। तो क्या लग रहा है कि खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं सर। क्या मांग है आपकी? क्या सर, हम चाह रहे कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा नाम तापसी है। तापसी, जो आप बाहर खेलने जा रही हैं, किस खेल में आपका जो सिलेक्शन? मैं अभी सफाई इटावा में यूपी एथलेटिक्स मीट हुई थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है जहाँ पे मैंने टाइम क्वालिफाई किया है। तो मैं अब आसाम गुवाहाटी में 11 से 15 नवंबर में होने वाली जूनियर नेशनल एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेशन करने जा रही हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इसको लेके आपके जो स्टेडियम की तरफ से कुछ सहायता दी गई हो, वो किस तरह? जो मेरे सर है दीपक सर, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बाकी सब करते हैं, बट लेकिन जो एक मतलब हमारे स्टेडियम की ओर से या सरकार की ओर से मतलब जो एक खिलाड़ी को सुविधा या सहायता देनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा उसे लेके मतलब आने वाले खिलाड़ी है मतलब जो भी देश के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ थोड़ी सुविधा प्राप्त कराई जाए। आपके क्या मांगे इसको लेके, खिलाड़ियों के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कि थोड़ा स्टेडियम में थोड़ी कुछ सुविधाएं या फिर हमें मतलब थोड़ा कुछ समथिंग कुछ प्रोवाइड कराया जाए। तो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।